नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के जदयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई को आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है। 5 साल की कैद की सजा उन्हें सुनाई गई है, साथ ही साथ 15,000 रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया गया है। राम बालक सिंह जदयू के विभूति के पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्ष 2000 में विभूतिपुर के ललन सिंह ने पूर्व विधायक और उनके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराया था और जिसकी सुनवाई शनिवार को पूरी हुई थी। कोर्ट ने दोनों भाई को आरोपी करार दिया था और जिसके बाद आज कोर्ट ने सजा भी सुना दी है। आवेदन में ललन सिंह का कहना था कि वो शिवनाथपुर गांव में ही गंगा सिंह की लड़की से शादी में 4 जून 2000 को शामिल होने गए थे। शिवनाथपुर के ही लाल बाबू सिंह व राम बालक सिंह ने उन्हें देखते ही पकड़ने की बात कही, जिससे वो डर के भागते रहे और रास्ते में उपेंद्र सिंह के घर के पास लाल बाबू सिंह के व्यक्ति के साथ पिस्तौल लेकर पहुंचे। उसी समय राम बालक सिंह भी बाइक लेकर पहुंच गए और उनकी बाइक पर भी एक व्यक्ति था। उसके बाद जान मारने की नीयत से गोली चलाई, जिसके बाद बाएं हाथ में उनकी उंगली उड़ गई। बाएं हाथ की फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग पहुंच गए। ललन सिंह ने आवेदन में घटना का कारण पूर्व से चल रही दुश्मनी बताया था और इस प्रकार से इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि राम बालक सिंह और उनके भाई को सजा दे दी गई है। 5 साल की कैद की सजा है, साथ ही साथ 15,000 रुपये का जुर्माना है। यह कैद की सजा उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत और साथ ही साथ जानलेवा हमला करने के तहत दी गई है। और भी तमाम और अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें, लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर हमने आपको बताई है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के विधायक, पूर्व विधायक, जदयू के पूर्व विधायक हैं ये राम बालक सिंह, इन्हें सजा सुना दी गई है। और जब देश के नेताओं को ऐसे सजा सुनाई जाती है तब समझ में आता है कि बिहार की जनता ने किन्हें अपना जनप्रतिनिधित्व चुना होगा, किस प्रकार से विधायक तमाम चीज़ों में फंसते नजर आते हैं और आम जनता का शोषण करते हैं। उनके पास अगर हक है, मतलब वो अगर उन विधायक हैं कहीं के, इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता पर हुक्म जताएंगे। और कोर्ट के इस आदेश के बाद तमाम लोगों का यही कहना है कि बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि अगर कोई दोषी है तो उसे सजा जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। कोर्ट ने शनिवार को ही इन्हें दोषी करार दिया था और आज सजा भी सुना दी है। 5 साल की कैद की सजा, साथ ही साथ 15,000 रुपये का जुर्माना। इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।